शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भैया, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। तू जाके शिवानी दी को देख। शिवानी दी के पास तो पुष्पा, रेखा भाभी सब है ना? जी बोले ना, तू जा, मैं इस पे नजर रखता हूँ, जा। आपने ध्रुव जी को क्यों भेज दिया? कहाँ जा रहे आप? पता है चंपा, मैंने हमेशा सोचा था कि अपने परिवार को हर मुसीबत से दूर रखूंगा, पर आज रियलाइज हुआ कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं ही हूं। डायन मुझे मारना चाहती है, यानी कि जब तक मैं इस घर में रहूंगा ना, मेरे पूरे परिवार पर खतरा, इसलिए मेरा इस घर से चले जाने ही बेहतर होगा। शायद तुम्हें परिवार की अहमियत नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है। आप अपने सब कुछ को खतरे में तो नहीं डाल सकते ना? अच्छा मजाक कर लेते हैं, क्या कहा आपने? हमारे लिए परिवार की कोई अहमियत नहीं है। जिस लड़की को कभी भी पिता का आशीर्वाद ना मिला, जिस लड़की को कभी उसकी माँ ने प्यार से डांटा ना, जिस लड़की को कभी अपनी माँ ने गोद में ना सुलाया हो, जिसने बचपन में ही अपने परिवार को खो दिया हो, उससे ज्यादा परिवार की अहमियत कोई नहीं समझ सकता बाबू। और आपने क्या कहा? मैं घर छोड़कर चला जाता हूं। आपकी ये जो बात है ना, वो तो आपके स्तर से भी ज्यादा अजीब है। क्या मतलब? मैं क्या अक्सर ऐसी अजीब बातें करता हूँ? और नहीं तो क्या, एक बार के लिए भी नहीं सोचा? आपकी माँ आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है, आपकी दादी आप पर जान छिड़कती है, आपका भाई ध्रुव आपको किसी फिल्म हीरो से कम नहीं समझता। शिवानी दीदी की जिंदगी है अब बाबू, पुष्पा, रेखा, भाभी सबके लिए आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप उन्हीं का दिल तोड़ना चाहते हैं। इस परिवार ने आपको उस डायन मोइनी से बचाया, वो आपके लिए तब भी लड़े थे और आज भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर आप चले जाएंगे ना, तो वो बस यही सोचेंगे कि हमने तो इसे अपना माना, पर इसने हमें दो पल में ही पराया कर दिया। अब बताइए, आपकी सोच अजीब नहीं है? तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? हाँ। तो? हमें नहीं लगता आप हमारी बातों पर विश्वास करेंगे। करूंगा, बोलो। आप लोग कौन है? हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया। राठौर परिवार इस गांव को अपनी जागीर मानता है। भरत का जिस्म हो या जमीन, अगर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता ना, तो वो उसे डायन करार करके सत्ता चलाते थे। राठौर परिवार का दामाद ऐसे काय कर रहा है जैसे हम दोनों के बीच प्रेम है? क्योंकि मैं तुम्हारा रूप धारण करके उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हूँ। जानते थे कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे थे, पर बाबू यही सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे। कहाँ जा रहे आप? चाकू लेने जा रहा हूँ यार। हम मानते हैं कि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें मार दें। अरे चाकू से सेब काटते, खीरा काटते, अपनी सेहत बनाते, उसे खाते, आप हमें मार देंगे? करो चंपा, भूलती जाती हो। इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू उसके लिए। ताकू रस्सी काटने के लिए लेने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मान गया हूँ कि डायन सच में होती है। और मैं एक और बात में मानता हूँ चंपा, कि कोई भी अच्छा या बुरा अपने काम से होता है, अपने नाम से नहीं। तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम डायन हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम बुरे हो। मुझे तुम पे भरोसा है चंपा। क्या तुम
मेरे परिवार को मोहिनी से बचाने में मेरी मदद करोगे प्लीज? माँ पंडित जी तो नहीं मिले, अब क्या करें? कहीं जो करना होगा हम करेंगे। अब माँ जी दादी देखिए ना, विक्रम बाबू का बहुत समय हो गया, वो चाकू लेने गए थे, हमारी रस्सी काटने के लिए आए नहीं, अब तो हमारा दिल बैठा जा रहा है, देखिए ना एक बार प्लीज। विक्रम तेरी रस्सी क्यों काटेगा? जेठानी जी इसकी मुंह मत लगिए, ये नौकरानी ना झूठ बोल रही है ताकि हम इसको आजाद कर दें। आप लोग हमें आजाद भले ही मत करिए, लेकिन एक बार देखिए ना कि विक्रम बाबू का है, हमारा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज देखिए ना एक बार। माँ जी अगर आज तक आपको रत्ती भर भी सच्चाई हमारी नजरों में दिखी हो तो एक बार हमारी बात पर यकीन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए विक्रम बाबू का है, बहुत समय हो गया है, कहीं कुछ उनको हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मैं देख कराती हूँ, रुको उर्वशी, हो सकता है इसी ने कोई चाल बुना हो, अंदर मत जाना। पर ये भी तो हो सकता है कि विक्रम सच में मुसीबत में हो, मुझे ये खतरा उठाना होगा। अगर हमारे पोते को कुछ हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। माँ जी, माँ जी विक्रम किचन में नहीं है, वो वहीं गए थे, बाहर ढूंढिए, कहीं भी ढूंढिए, विक्रम बाबू को ढूंढिए प्लीज ना। विक्रम तुम इसका ध्यान रखना, डायन है ये। आप टेंशन मत लीजिए। विक्रम तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, तुमने जिसे रक्षिणी समझा आज वही विक्रम की जान लेगी। आज मुझे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, आज ये डायन अपने ही बेटे की बलि चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। जिसे हमने रक्षिणी समझा वो डायन है, और वो चंपा? नहीं, नहीं। हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दो। किरण के शरीर पे मोहिनी ने कब्जा कर लिया, वो हमारे पोते को मार देगी। तुम उसे बचा लो, तुम इसे बचा लो, तुम ही बचा सकते हो, हमें माफ कर। हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए, हम मर जाएंगे लेकिन बाबू को कुछ नहीं होने देंगे, हमारे विक्रम की जान को खतरा है, चलो। भैया, विक्रम बाबू, भैया, रेखा भाभी क्या हो गया आप लोग को, ये क्या किया तुमने? जाओ और इससे ये किताब लेकर मुझे दो, और अगर ये ना दे तो इसे मार डालो।
मेरे संभालिए खुद को प्लीज। हमें लगता है कि इस डायन शास्त्र में मायावी लुकाई के बारे में लिखा होगा। देख जल्दी देख। लिखा इसमें लिखा है कि हमें उस मायावी लुकाई पे गंगा जल छीटना होगा और उसी के खंजर से उसकी चोटी को काटना होगा। चलो जल्दी चलो चलो मैं आ रही हूँ। किरण नहीं बेटा, माँ, तुम्हारी असली माँ मोहिनी। जिंदगी मेरा दिया हुआ उपहार था बेटा, और आज तुम्हारी माँ वो उपहार वापस मांगती है। मरने के लिए तैयार हो जाओ विक्रम। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। चंपा नहीं। सदा सुहागन रहो। हमें माफ कर दीजिए, हमारी एक गलत फहमी की वजह से बाबू और आप लोग में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मोहिनी का साया तो इस घर पे तुम्हारे आने से बहुत बरसों पहले से ही पड़ा हुआ था। बल्कि तुमने तो हमेशा हमेशा के लिए उसका साया खत्म कर दिया, सारी तकलीफों से हमें दूर कर दिया, मेरे बेटे विक्रम के ऊपर से खतरा हटा दिया। कुछ डायने अच्छी भी होती है, उनका साया एक रक्षनी की तरह होता है ना? इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हैं। हमने तुझे बहुत गलत समझा, हमें माफ कर दे। आप भी नहीं मांगती। हमें यहाँ पे आके एक माँ मिल गई, और आप ऐसे कहेंगी ना तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। आप समझते, किसी ने भी हमारा दिल नहीं दुखाया, बस हमें प्यार दिया। हमें आप लोगों की बहुत याद आएगी। आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी प्यार तारा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं।
ए चंपा, अब तू कभी लौट के नहीं आएगी क्या? आप इस उदास क्यों हो गई? हम क्या आपको अच्छे लगने लगे? आज आपने पानी नहीं दिया हमें। अब तू सर पे मत चढ़, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया था। हमको तो शुरू से ही पता था कि तू दिल की बुरी नहीं है। हमसे कोई गलती हो तो हमको माफ कर देना। और हम तुमको तो पता चल ही गया होगा ना कि हमको सजने सबरने का शौक तो है नहीं। और कोई ये ना कह दे कि हाय माधुर कितनी सिंपल लग रही हो। क्यों जी? अभी आपको एक बात कह दे, आपको ना मेकअप की कोनो जरूरत नहीं है। है? थैंक यू। चंपा, चंपा मुझे माफ कर दो। तुमने तो पहले ही मुझे मोहिनी के बारे में बताया था और मैं विक्रम को पाने के चक्कर में सही और गलत तो भूल ही गई थी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आप लोग को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता था विक्रम कि मैं तुमसे ट्रू लव करने लग गई हूँ, पर मैंने अपने लालच के लिए तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दी। तो ये प्यार कैसे हुआ? मुझे माफ कर दो विक्रम, शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा प्यार को समझने के लिए। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है किरण, सब मोहिनी की वजह से हुआ, तुम्हारे नहीं। अपने आप को ब्लेम मत करो। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे माफ कर देना, मुझसे कुछ गलती हुई होगी। कैसे जाओगी? जैसे आई थी, टूटे हुए कांच पर चल के, नदी पार करके। किरण, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, हमेशा अपना ख्याल रखना। हमें भी ना चलना चाहिए, हमें आप सबकी बहुत याद आएगी। अजीब बात कर रहा है? आप ही कर रहे हो क्या? हमने तो कुछ अजीब नहीं किया। घर छोड़ के तुम जा रही हो और तुमने कुछ अजीब नहीं किया। तुम कहीं नहीं जा रही हो। गाय, अब आपको क्या लगता है? बता दो। हाँ। तुम इस घर की बहू, मेरे भाइयों बहनों की भाभी, मेरी पत्नी हो। Thank you.
कर रहे, कोई आ जाएगा तो आने दो, मेरा रूम, मेरी बीवी, मुझे जो करना है करूंगा। डरता हूँ क्या? अच्छा जी, दादी बन गया। ये हाथ में इतना सारा सिंदूर है और मांग में एक चुटकी भी नहीं। क्योंकि सिंदूर खत्म हो गया था, इसलिए तो सुबह सुबह उठ के बना रहे, अब लगा लेते हैं। क्या करें? ये मुझे दो। इस पे सिर्फ मेरा हक है।